मैं एके वर्मा आज आप लोगों को बीकॉम पार्ट वन का पुनः बीएमएस गिनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से और क्वार्टाइल प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूं। आइए, ये प्रश्न हम लोग के लिए और आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पार्ट वन वालों के लिए एमवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो आपका ये सी सीरीज का सवाल है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सी सीरीज क्या है। सी सीरीज का मतलब इसको कंटिन्यूअस सीरीज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सतत श्रेणी। सतत श्रेणी क्या है, जिस श्रेणी के अंतर्गत वर्ग अंतराल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, वो हम लोग समझ जाते हैं या समझते हैं कि ये आपका सतत श्रेणी है। आइए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये 6 में आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कैलकुलेशन ऑफ मोड, मेडियन एंड क्वार्टाइल्स। मोड मींस बोलक, आप मेडियन मींस आपको क्या माध्यिका या माध्यिका, आपको टेंथ जो है चतुर्थक, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। जैसे आपका क्लास जो दिया हुआ है सीआर, तो क्लास इंटरवल ये 0 से 2 दिया है, 2 से 3 दिया है, 3 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 11 दिया है, 11 से 12 दिया है, 12 से 15 दिया है, 15 से 18 दिया है, 18 से 20 दिया है, 20 से 22 दिया है, 22 से 24 दिया है, 24 से 29 दिया है, 29 से 30 दिया है, 30 से 34 दिया है, और 34 से कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। आइए ये देख रहे हैं, इसमें 0 से जो 2 दिया हुआ है, आप फिर 2 से 3 दिया है, या 0 से 2 में आपका 2 का अंतर है, 2 से 3 में 1 का अंतर आ गया, 3 से 6 पे आपका कितना का 3 का अंतर आ गया, 3 3 6 हो गया। उसी प्रकार से सब पे आपका ये डिफरेंट आपका क्या है, ये आपका अंतर दे दिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 2 3 1 4 3 5 18 7 12 10 8 11 9 6 और 3, इस प्रकार से आपका फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया गया है। सबसे पहले इसको क्लास को आपको अरेंज करना होगा, जो क्लास का जो माने इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो रेंज है डिफरेंट टाइप का जो दिया हुआ है, उसको आपको करना पड़ेगा सिस्टम में सिस्टमैटिक ढंग से, क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए यह 0 से आप 2 है, आप यहाँ 0 से हम 6 का अंतराल ले रहे हैं, 0 से 6 और 6 से कितना 6 का अंतराल ले रहे हैं, तो 6 से कितना इसको का 12, ये 0 से 6 और 6 से कितना इसको का 9 होगा 12, अब 12 से कितना 12 हो गया, और 6 का अंतर हो गया 12 से कितना 18, 18 से कितना 24, और 24 से कितना 30, 30 से कितना 36, 6 का जो अंतराल लेते हैं तो यहाँ तक वो सेटिंग आपका हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, यही समझना आपके लिए क्या बहुत जरूरी है, मेन चीज यही है कि एक को कैसे सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए 0 से जो 6 है, ये 0 और 6 है, इसके अंदर कितने फ्रीक्वेंसी आ रही है, 1 2 और कितना 3, 2 1 3 1 कितना 4, 0 से 6 में आपका 4 फ्रीक्वेंसी आ गया। उसके बाद 6 से 12 में है, 6 से 12 यहाँ आ गया, तो 6 से जो 12 यहाँ है, 6 है और 12 है, 6 से 12 में कितना है, 4 3 7 4 3 7 5 कितना 12, इसका आ गया। फिर 12 से आपका कितना 18, 12 से 18 कितना 18 और कितना 7, 25 फ्रीक्वेंसी आ गया। 18 से कितना 18 से आपका है कितना 24, 18 से 24 यहाँ, ये 18 है 6 है 6 6 का 24, इसमें का 12 10 और 8 आ गया, इसका फ्रीक्वेंसी आगे जोड़ करके मैं कितना 10 10 20 22, 8 कितना 30 आ गया। फिर आपका 24 से लेकर 36, 24 से लेकर 30 तक आ गया, 24 और 30, आप देखिए 24 से लेकर 11 9 आ गया, 11 9 कितना 20, ये आपका 20 फ्रीक्वेंसी हो गया, 30 से 36 तो 6 आगे कितना 9, आपका ये फ्रीक्वेंसी आपका क्या निकल गया, यहाँ समझिए बढ़िया से। देखिए इसी को हम सही से लिख दिए, 0 से 6 में फ्रीक्वेंसी आपका कितना 4 आ गया, 6 से 12 का फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 से 18 का फ्रीक्वेंसी कितना का 25 आ गया, 18 से 24 का फ्रीक्वेंसी 30 आ गया, 24 से 30 का फ्रीक्वेंसी कितना 20 आ गया, 30 से 36 का फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, जो हम लोग यहाँ लिख दें, इससे हम लोग क्या करते हैं लिख दिए। ठीक, अब आइए, ये तो माना इससे एफ भी हम लोग पढ़ गया, इससे तो मोड आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और आपका मेडियन और टोटल फाइंड करने के लिए सीए बनाना पड़ेगा। 4 को स्थाई करेंगे,
चार पता है 12 से कितना 16, 16 25 को 41, 41 में 30 को जो है कितना का 71, 71 में 20 को जो है कितना का 91, 91 में आपको 9 को जो है कितना 100, ये इनवर्स कितना का 100 हो गया। ये हम लोग आराम से क्या किए वो निकाल लेंगे। ये बनाने के बाद आपका ये सवाल आपका हो जाएगा सिंपल, वेरी सिंपल हो जाएगा। आप देखिए हमको जेड फाइंड करना है तो हम बताए थे पहले कि शॉर्टकट मेथड से अगर बनाएंगे इसमें देखेंगे सबसे बड़ा मान कौन है। जैसे 30 है तो 30 के सामने वाला जो होगा वो आपका जेड क्लास का लगेगा। आज ये आप जिसमें ये है 30 से बड़ा है ये F1 उससे ऊपर वाला F0 इससे जस्ट नीचे वाला क्या है F2 का लगेगा। तो देख लीजिए जेड क्लास हम 18 से 24 लिए हैं जिसमें L1 का मान 18 है, L2 का मान आपका 24 है, आई बराबर कितना होगा 24 माइनस कितना 18 होगा कितना 6 डिफरेंस निकल गया। आप जो आप इसमें देखिए F0 25, F1 बड़ा कितना 30, F2 बड़ा कितना का 20। आप जेड का फॉर्मूला लिख दीजिए, जेड के फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए। जेड का जो फॉर्मूला होता है कि L1 प्लस F1 माइनस कितना F0 अब बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे कितना होता है या आई होता है, ये सब इस पर मान कंप्यूट करेंगे। देखिए L1 का मान दिया 18, F1 का मान 30, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 25, अब फिर 2 गुणे 30 माइनस 25 माइनस 20 गुणे कितना दिया 6 दिया है। अब इसी को कैलकुलेशन करना है तो 30 में जब 25 गया कितना 5, ये गुना 60 आप आ गया 25, अब इसको 45। आप देखिए 18 प्लस 30 बटे कितना 15, 15 गुना कितना 30, 18 2 को जोड़ देंगे तो कितना निकल गया 20। ये आपका निकल गया मोड, ये निकल गया आपका मोड निकल गया। अब हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले स्मॉल एफ निकालेंगे, शायद आपका एल बाय कितना 2 आइटम्स होगा। अब एम कितना दिया है आपका कितना दिया है देखिए 100, ये 100 बाय 2 काट देंगे तो 50 आएगा, 50 सीएफ के किस में रहेगा 50 सीएफ के किस में रहेगा 50 जो है आपका सीएफ के किस में रहेगा 71 में रहेगा। 71 के सामने वाला ये आपका क्लास कहलाएगा, ये इसका स्मॉल एफ कहलाएगा, इसका ये क्या कहलाएगा सी कहलाएगा, ये स्पष्ट है। अब उसी बात को जान लीजिए एम क्लास 18 से 24 आएगा, इसी पे L1 का मान 18, L2 का मान 24, L1 6, फिर F का मान कितना 30, C का कितना 41। अब फिर वेरिएंट का फॉर्मूला होता है, वेरिएंट का फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए, मेरे को L1 माइनस कितना होता है M माइनस C, आप प्रत्येक के पास स्मॉल एफ गुणे कितना होता है, आप इस पर सेटिंग कर दीजिए L1 का 18 प्लस कितना 50 माइनस 41 प्रत्येक कितना 30 और गुणे 6 हो गया, घटा दिए तो क्या 9 बटा में कितना 30 गुणे कितना 6, आप 6 5 30 काट दीजिएगा, आप 9 बटा कितना 5 हो गया 18 प्लस 9 बटा 5, आप 5 से आप 9 में भाग दे दीजिएगा। देखिए यहाँ दिया 1 पॉइंट कितना का 8 आ गया है, हम जोड़ दिया तो 19 पॉइंट कितना का 8, ये आपका मीडियन निकल गया। आइए अब क्वार्टाइल जो फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए पुनः आपको स्मॉल एफ का क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्यू जो है आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब स्मॉल क्यू फाइंड करने के लिए फिर उसी लिखिए साइज ऑफ 1 इनटू कितना का n / 4 जो ये सी सीज का है, अगर सी सीज का नहीं रहता तो वहां हम लोग जो है आई सीज और डी सीज के लिए लिखते थे, क्या लिखते थे वहां कि 1 माने साइज ऑफ 1 इनटू n प्लस कितना 1 / क्या 4 आइटम लिखते थे, लेकिन ये सी सीज है इसीलिए उसको n / 4 आइटम सी लिखेंगे। काट देंगे 1/4 है, 1 को हम 100 से गुणा कर 1/4 आ जाएगा, 25 छोटा 100, 25 मतलब इतना आइटम तक आ गया। आप 25 जो है पुनः देखेंगे सीएफ के किस पे रहेगा, 25 सीएफ के किस पे रहेगा आपका 41 में रहेगा, तब 12 से 28 का क्लास आएगा, ये स्मॉल एफ कहलाएगा और इसे जस्ट ऊपर वाला इसका क्या कहलाएगा सी कहलाएगा। ठीक, देखिए माने क्वार्टाइल क्लास 12 से 18 गया, अब ये L1 बराबर 12 गया, L2 बराबर 18 गया, M बराबर कितना 6 गया, M बराबर 25 है, C बराबर कितना 16 है, फिर माने कैपिटल Q1 जो क्वार्टाइल्स है उसका प्रभुत्व है L1 प्लस कितना Q1 माइनस C बटे स्मॉल f गुणे कितना होता है। आज जस्ट लाइक आपका जो है ये फार्मूला मीडियन पर डिपेंड करता है, मीडियन जैसा है ना, आप देखिए उसी का फॉर्मूला से निकाल दिए, L1 का मान दिया 12, Q1 का मान निकला आपका 25 माइनस 16 बटे 25 गुणे कितना 6, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बटे 25 गुणे कितना 6, आप नहीं कटने वाला है नहीं कोई बटा मोर देंगे, 9 छक्के कितना 54 बटे कितना 25, आप 25 से 54 में भाग देंगे, देखिए आप 25 54 भाग दिए हैं तो निकल गया 2.16। अब यहाँ जोड़ देंगे 2.16, यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे 12 प्लस कितना 2.16 यहाँ जोड़ देंगे तो 14 पॉइंट कितना का 16, इसका क्या का उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से आप चाहेंगे सेम है Q2 और Q3 का मान निकालना तो Q2 और Q3 का भी मान आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल।